उसका नाम सोएब है। तीन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए दोस्तों भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया है दोस्तों, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से दोस्तों आपको रोना पड़ सकता है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, दो तीन मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले दोस्तों शॉर्ट वीडियो आपने देखा दोस्तों, एक बेसिकली दो दिन पहले की ये तस्वीर है दुबई एयरपोर्ट पर दोस्तों। आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा दोस्तों कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का दोस्तों बहुत सारे कर्मचारी जो छुट्टी पे चले गए थे इमरजेंसी, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ से फ्लाइट जाती है दुबई फिर वहाँ से वापस आती है, तो जब यहाँ से ही नहीं गई तो वहाँ से कैसे वापस हो गई, तो बहुत सारे फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए। इसके वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पर मतलब बहुत बुरा हाल हो गया। आप देख सकते थे तस्वीर में लोग ऐसे ही ज़मीन पर बैठे हुए हैं, किसी को नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो दोस्तों एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दोस्तों फाइनली डिसीजन बदला और जितने भी कर्मचारी थे दोस्तों, क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया था, बाद में दोस्तों उनको लेकर आया दोस्तों और फिर से उनको जॉब ज्वाइन करने के लिए ऑफर दिया है पहला। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस के, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है, क्योंकि बहुत सारे इंडिगो एयरलाइंस गल्फ कंट्री से चलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई लग बहुत सारे लोगों को लगेज है ना वो छोड़ देती है, क्योंकि वो लोग दूसरा सामान लगेज बैग के साथ डाल देते हैं और बहुत सारे लोगों को लगेज बैग छोड़ देते हैं और बाद में नेक्स्ट फ्लाइट से आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो बंदा ट्रैवल करके आता है उनको इमीडिएटली लगेज नहीं मिलता है, दो दिन चार दिन पाँच दिन के बाद लगेज मिलता है, या फिर एयरपोर्ट नज़दीकी एयरपोर्ट का एड्रेस देना पड़ता है, वहाँ पे आपका लगेज जाता है, तो मतलब परेशानी बढ़ जाता है। इस कारण दोस्तों दुबई दुबई से आने वाले बहुत सारे फ्लाइट इस तरह का चीज़ कर रही थी, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग भारतीय यात्री जो नारा लगा रहे थे एयरलाइन से। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए, बेसिकली जो गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट बना हुआ है, क्योंकि जब हम नया पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि हमें उस पर अपने पैसे अब पे करना पड़ता है, पासपोर्ट के लिए पैसे पे करना पड़ता है वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए। तो उसमें होता क्या है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट तक वो पैसे जाता है, जितना भी है 1300 या 1250 कुछ इस तरह का ऑनलाइन करने का पासपोर्ट का खर्च आता है दोस्तों। तो अभी बहुत सारे लोग फेक वेबसाइट बनाकर दोस्तों और पासपोर्ट ऑनलाइन करा रहे हैं, तो आप लाजिम इस बात का ख्याल रखें कि जो ऑथराइज है दोस्तों वहाँ से ही अपना ऑनलाइन कराएं, नहीं तो दोस्तों आपको पैसे भी चला जाएगा और फिर ऑनलाइन का अपॉइंटमेंट वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार का कहना है कि बहुत सारे वेबसाइट लोग इस तरह का खोल कर बैठे हैं। तो आप लोग अवेयर रहें, अगर नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं या फिर अपने दोस्त का, भाई का, किसी को भी बनवाने वाले हैं, जो अच्छे ट्रैवल एजेंट है जो बनवाते हैं दोस्तों वहीं से आप ऑनलाइन कराएं।